इस तरह टोटल 11 वन्य जीव अभयारण्य हो गए और एक हो गया नेशनल पार्क। ओके हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड हिंट्स। आज हम लोग झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य को मैप की मदद से याद करेंगे, ठीक है। इसको क्रम वाइज याद करते हैं क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पहले आया था, या उसको क्रम वाइज सजाने के लिए पूछा जा सकता है। ओके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पलामू से। पलामू में जो है उसका नाम है पलामू वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। नाम भी उसका सेम ही है, पलामू वन्य जीव अभयारण्य। ये कब बना था? 1976 में, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976। अब 1976 में याद रखना है पाँच है, पहला पलामू 1976 में, ठीक है। फिर याद रखना है महुआ डाड़, महुआ डाड़ जो है लातेहार में, ये भी कब बना? 1976 में। ओके अभी 1976 का देख लेते हैं। 1976 में नेक्स्ट कौन है? हजारीबाग, हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कब बना था? 1976। नेक्स्ट है 1976 में कौन? दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कहाँ पे है? ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम में, ठीक है। दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कब है? 1976 को। फिर 1976 में एक और है कोडरमा में, जिसको हम लोग कहते हैं 1976 में है गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 1976 में हम लोग देख लिए कितने हैं? चार। कौन कौन? पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976, महुआ डाड, हजारीबाग, गौतम बुद्ध 1976 और दानमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976 में, ठीक है। लोकेशन इसका पता चल गया, पलामू पलामू में, महुआ डाड़ हो गया लातेहार में, हजारीबाग हो गया हजारीबाग में, गौतम बुद्ध 1976 कोडरमा में और दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया ईस्ट सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम 1976 में। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं 1978, 1978 में कौन आया? 1978 में याद रखना है दो, एक चतरा में है 1978 में, लावा लॉन्ग, क्या नाम है? लावा लॉन्ग। और दूसरा है धनबाद में 1978, तोप चाची। ओके 1978 में दो हो गया, कौन कौन? लावा लॉन्ग और तोप चाची, इतने याद रहेगा। 1976 में हमने कितने देखे? पांच। 1976 में पांच हो गया, पलामू, महुआ डाड़, हजारीबाग, गौतम बुद्ध और एक धलमा, पांच हो गया और दो हो गया 1978 में, इस तरह से सात हो गए। ओके अब 1978 के बाद हम लोग चलते हैं 1981 में। 1981 में किसकी स्थापना हुई थी? पारसनाथ। ओके कहाँ पे है? गिरिडीह में 1981, ये हुआ था पारसनाथ, पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको वन्य जीव अभयारण्य हो गया 1981 में। फिर 1985 में फिर से 1985 में यह है कोडरमा, कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य हो गया 1985 में। ओके नेक्स्ट है 1990 में पालकोट। ओके 1990 में क्या हो गया? पालकोट, पालकोट कहाँ पे है? गुमला में 1990 में पालकोट जो हो गया गुमला। ओके और 1991 में हम लोग देखते हैं उधवा, ठीक है, उधवा वन्यजीव अभयारण्य, ये हो गया 1991 में। ओके और इस तरह झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य को मैंने यहाँ पे झारखंड के मैप में लिख दिया है। टोटल अभी आपको दिखेगा यहाँ पे 11। ओके एक हो गया पलामू, दो तीन चार, दो छः, सात आठ नौ दस ग्यारह, तो ये 11 हो गया, ये वन्य जीव अभयारण्य है। ओके अब एक बच गया है, कौन सा? राष्ट्रीय उद्यान। एक हो गया राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पे है? लातेहार में, जिसका नाम क्या है? बेतला, ये है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है, इसको हम वो अलग से लिख देते हैं, ये हो गया बेतला नेशनल पार्क और इसकी स्थापना हो गई थी 1986 में। ओके 1986 में इस तरह से हमने देख लिया यहाँ मैप की मदद से राष्ट्रीय उद्यान को, बेतला नेशनल पार्क, और टोटल इस तरह टोटल 11 वन्य जीव अभयारण्य हो गए और एक हो गया नेशनल पार्क। ओके इसका डिटेल एनालिसिस नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ओके थैंक यू।